कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस वीडियो के अंदर जो हमने पढ़ा था कि कोई भी स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग के अंदर किस तरीके से ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होती है और वो ट्रांसवर्स वेव इम्पोज होकर किस तरीके से स्टेशनरी वेव बनाते हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि वो स्टेशनरी वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल किस तरीके से बनती है, यानी कोई भी साउंड वेव है आपके पास तो साउंड वेव किस तरीके से स्टेशनरी वेव के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, तो वो हम देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। अब अगर हम बात करें साउंड वेव की या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, ये लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव किस तरह से बनेंगी, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर हम ये सब देखते हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट होता है आपके पास कौन सी, जो कृष्ण जी बजाते थे, कौन सी, बांसुरी। और बांसुरी को ही हम बोलते हैं ऑर्गन पाइप। अब बांसुरी और ऑर्गन पाइप जो है उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है, लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव जो है, उनका प्रोपेगेशन होता है, प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ से आज हम बात करेंगे ऑर्गन पाइप और बांसुरी की। ऑर्गन पाइप जो है वो मेनली पूरी तरीके से तो नहीं बोल सकते, लेकिन ऑर्गन पाइप के बेसिस पर ही बांसुरी जो इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो उसके ऊपर ही बेसिक होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आज ऑर्गन पाइप की, क्या होता है ऑर्गन पाइप और उसके अंदर किस तरीके से जो स्टेशनरी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव, उनका प्रोपेगेशन होता है। तो हम देखते हैं, स्टेशनरी वेव इन ऑर्गन पाइप, स्टेशनरी वेव्स इन ऑर्गन पाइप। अब स्टेशनरी वेव जो है वो प्रोडक्शन होता है ऑर्गन पाइप के अंदर, कौन सी स्टेशनरी वेव का प्रोडक्शन होगा इसके अंदर, तो हम बोलेंगे कि स्टेशनरी वेव जो होंगी वो होंगी लॉन्गिट्यूडनल। और अगर हम लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो सबसे पहले दिमाग के अंदर आता है साउंड वेव, कि यहाँ पर साउंड वेव है जो स्टेशनरी वेव बना रही है, यानी लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव का प्रोडक्शन यहाँ पर होता है या प्रोपेगेशन यहाँ पर होता है। तो ऑर्गन पाइप के अंदर किस तरीके की वेव का प्रोपेगेशन होता है, तो मैं कहूंगा ऑर्गन पाइप के अंदर लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव का प्रोपेगेशन होता है। अब दूसरी बात कि यहाँ पर अपने पास जो स्टेशनरी वेव की इक्वेशन बनेगी वो स्टेशनरी वेव की इक्वेशन होगी क्या, तो स्टेशनरी वेव्स की जो इक्वेशन है दो टाइप से होती है, हमने पढ़ रखा है। एक तो जब वो रिजिड एंड से रिफ्लेक्ट होकर आती है, इस तरीके से आ रही है, रिजिड एंड अगर यहाँ है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वो वापिस आती है। दूसरा, अगर यहाँ पर कोई नॉर्मल एंड है या ओपन एंड है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जब वो आती है तो अलग तरीके का इफेक्ट वहां पर पड़ता है। जब रिजिड एंड से रिफ्लेक्ट होकर आती है तो मैं कहता हूँ पाई फेज डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है, और जब वो किसी ओपन एंड से रिफ्लेक्ट होकर आती है तो पाई फेज डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं होता। तो उसी के अंदर हमने दो टाइप से स्टेशनरी वेव की इक्वेशन को काम में लिया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टेशनरी वेव की इक्वेशन नॉर्मली हम लिख क्या सकते हैं, तो मैं कहूंगा नॉर्मली हम लिख सकते हैं 2a cos ωt साइन kx। अब आपको पता होगा ये एक इक्वेशन हमने लिखी थी स्टेशनरी वेव के अंदर, तो वही इक्वेशन हमने यहाँ पर लिख ली। अब क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है और लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव के अंदर आपको फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट करके वो अगर उससे एक स्टेप ऊपर जाकर आपको उस वेव की इक्वेशन भी पूछ ले तो वो इक्वेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि ओमेगा आ रहा है, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के क्या होता है, प्रोपेगेशन है कॉन्स्टेंट या वेव नंबर। तो अगर ओमेगा की बात करें तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 π n, n क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, या फिर n की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, तो मैं बोलूंगा n इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन में वेवलेंथ। या अगर k प्रोपेगेशन कांस्टेंट या वेव नंबर की बात करें तो वेव नंबर कितना होता है, 2 π λ। तो यहां से अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल जाती है तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी तो आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करोगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पर रख दोगे तो आपको जो इक्वेशन है, वेव की जो इक्वेशन है वो इक्वेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब
हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि ऑर्गन पाइप जो है जिसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव प्रोडक्ट हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है उनका, वो ऑर्गन पाइप जो है उसके अंदर किस तरीके से स्टेशनरी वेव का प्रोडक्शन होता है, वो हमारे लिए मेनली यहाँ पर ध्यान देने वाला टॉपिक है। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि ऑर्गन पाइप क्या होता है, कितने टाइप का होता है, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी कैसे, फ्रीक्वेंसी कितने टाइप्स की होती है, हार्मोनिक कितने बनते हैं, ऑड इवन दोनों हार्मोनिक प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते हैं, और टोन किस तरीके से होता है, उनका रेशियो क्या होता है। तो सबसे पहले जो है वो हम ये देखेंगे कि ऑर्गन पाइप जो है वो कितने टाइप का होता है। ये जो मैं यहाँ पर डिटेल मैंने लिखी है, ये आप अपनी कॉपी के अंदर नोट कर सकते हैं कि ऑर्गन पाइप के अंदर लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव का प्रोपेगेशन है होता है। अब अगर हम बात करें कि ऑर्गन पाइप जो है वो कितने टाइप का होगा, तो ऑर्गन पाइप जो है वो दो टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप का? फर्स्ट अगर हम देखें तो मैं लिखूंगा, फर्स्ट जो टाइप होता है वो होता है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ठीक है। सेकंड जो टाइप होता है वो सेकंड टाइप होता है आपके पास ओपन ऑर्गन पाइप। फर्स्ट जो है वो होता है क्लोज ऑर्गन पाइप, सेकंड जो है वो होता है आपके पास ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है। अब क्लोज और ओपन के अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो हम कहेंगे कि क्लोज ऑर्गन पाइप कौन सा होगा। तो क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए अगर हम बात करें तो क्लोज ऑर्गन पाइप वो पाइप होता है जिसका एक एंड जो है, जिसका एक एंड जो है वो तो हो क्लोज और दूसरा जो एंड है वो हो ओपन। अगर ओपन की बात करें, ओपन ऑर्गन पाइप, तो ऐसा कोई पाइप है जिसके दोनों एंड जो है, जैसे ये कोई पाइप है, इसका ये जो यहां वाला एंड है वो भी ओपन है और यहां वाला जो एंड है वो भी ओपन है। तो ऐसा पाइप जिसकी दोनों एंड ओपन हो उसको क्या बोला जाता है, ओपन ऑर्गन पाइप। और अगर केवल एक ही ये जो एंड है वो ओपन है तो मैं उसको बोलता हूं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। अब क्लोज्ड और ओपन दोनों के अंदर हम तीन तीन कंडीशन की वैल्यू लेके चलेंगे, उन तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू अपने पास क्या क्या आती है। तो अगर हम तीन कंडीशन की बात करें तो मैं यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन के लिए डायग्राम बनाता हूँ। फर्स्ट कंडीशन के लिए अगर मैं यहाँ पर बनाऊं कि ये आपके पास कोई क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होने का मतलब एक एंड जो है वो आपके पास यहाँ पर क्लोज है, एक एंड जो है ये वाला वो क्या है, क्लोज्ड एंड है या रिजिड एंड है। तो यहाँ पर किस तरीके से जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उनका प्रोपेगेशन होगा, तो सबसे पहले जो है वो हम फर्स्ट केस की बात करेंगे। तो फर्स्ट केस लेंगे एकदम मिनिमम वाला, जिसमें मिनिमम वेवलेंथ जो हो सकती है उसकी बात करेंगे। अगर ऑर्गन पाइप के अंदर सेकंड केस की हम बात करें तो सेकंड केस हम ऐसा लेंगे जिसके अंदर इससे ग्रेटर लैम्डा या इससे ग्रेटर डिस्टेंस वेव की हो, वेव ज्यादा डिस्टेंस कवर करे, ऐसा ऑर्गन पाइप हमें ले रहे हैं। थर्ड जो कंडीशन ले रहे हैं वो इससे भी ग्रेटर कंडीशन हम लेंगे और उसके अंदर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। और ये जो तीनों के तीनों केस हैं वो हम केवल पढ़ रहे हैं किसके अंदर, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर। अब अगर हम इनिशियल केस की बात करें तो मैं कहूंगा कि वेव जो है अपने पास लॉन्गिट्यूडनल वेव, उसकी मिनिमम कंडीशन होनी चाहिए आपके पास। अब मिनिमम कंडीशन की अगर हम बात करें तो मैं कहूंगा कि जो रिजिड एंड है, रिजिड एंड पर हमेशा क्या बनता है, रिजिड एंड पर हमेशा बनता है नोड। तो यहां पर जो है वो नोड बनना चाहिए आपके पास और फिर आप वेव को ले जाओ किधर भी। और तो मैं बात करूंगा कि वेव के लिए मिनिमम वाली कंडीशन लेते हुए अगर मैं वेव यहां पर बनाऊं तो मैं कहूंगा ये आपके पास इंसिडेंस वेव है और ये जो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ ये आपके पास रिफ्लेक्टेड वेव है जो रिजिड एंड से रिफ्लेक्ट होकर चली गई। अब अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास बनेगा एंटीनोड और यहाँ पर आपके पास बनेगा नोड। यहाँ पर तो क्या बन गया, एंटीनोड, यहाँ पर क्या बन गया, आपके पास नोड बन गया।
अब मैं बात करूं कि अगर ऑर्गन पाइप की जो लेंथ है वो हो स्मॉल एल, ऑर्गन पाइप की जो लेंथ है वो कितनी हो, स्मॉल एल हो, ऑर्गन पाइप की लेंथ स्मॉल एल है, तो मैं कहूंगा ये वाली लेंथ अगर स्मॉल एल है तो ये जो डिस्टेंस वेव कवर करते हुए यहाँ तक आ रही है वो डिस्टेंस कितनी होगी, तो वेव कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, तो मैं कहूंगा वेव यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कवर कर रही है, तो ये कितना सर्कल कंप्लीट हो रहा है, कितने ओसिलेशन जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं, तो हम अगर इसकी बात करें तो ओसिलेशन कितना कंप्लीट हो रहा है, ये कितना पार्ट है ओसिलेशन का, कंप्लीट ओसिलेशन कब होता है जब यहां से चली और यहां से यहां पर आ गई, तो ये एक कंप्लीट ओसिलेशन होता है। अब यहां पर हमने ये वाला जो मिनिमम वाली कंडीशन बनाई है वो इसका कितना पार्ट है, ये टोटल जो एक ओसिलेशन है इसके अंदर वेव कितनी डिस्टेंस कवर करती है, लैम्डा, तो ये वाला जो अपने पास है ये कितना पार्ट है, तो मैं कहूंगा ये जो पार्ट है वो यहां से लेकर यहां तक वाला, यानी एक नोड से एक एंटी नोड के बीच का पार्ट है, और एक नोड और एक एंटी नोड के बीच की जो डिस्टेंस है वेव कितनी डिस्टेंस कवर करती है, लैम्डा बाई 4, तो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो वेव कितनी कवर कर रही है, मैं कहूंगा लैम्डा बाई 4 डिस्टेंस जो है वो यहां से वेव कवर कर रही है। अब अगर इतनी डिस्टेंस आपके पास वेव कवर कर रही है तो मैं कहूंगा कि ऑर्गन पाइप की लेंथ जो एल है और जो वेव कवर कर रही है डिस्टेंस, इन दोनों के अंदर हम बात करें तो इतनी ही डिस्टेंस एल है और इतनी ही डिस्टेंस को आप लिख रहे हो लेमडा बाई 4, इसका मीनिंग क्या है कि दोनों डिस्टेंस जो है वो एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, यानी एल इज इक्वल टू लेमडा बाई 4। अगर हम इससे ग्रेटर कंडीशन की बात करें कि ये तो हमने सबसे मिनिमम वाली कंडीशन ली कि सबसे मिनिमम वेव कितनी हो सकती है इस ऑर्गन पाइप के अंदर, अगर हम इसकी बात करें कि इसमें मिनिमम वेव कितनी हो सकती है, तो मैं कहूंगा कि वो जो क्लोज्ड यहाँ पर जो रिजिड एंड है उस पर तो हमेशा बनेगा आपके पास नोड, और ओपन पर हमेशा बनेगा एंटी नोड, तो यहाँ पर तो आपको एंटी नोड बनाना है, यहाँ पर नोड बनाना है, तो और इससे ग्रेटर कंडीशन लेनी है, तो इससे ग्रेटर कंडीशन कौन सी हो जाएगी आपके पास, मैं कहूंगा यहाँ से वेव जो है, यहां से जो वेव है वो इस तरीके से, और यहां से वेव इस तरीके से, तो इससे ग्रेटर कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, तो इससे ग्रेटर कंडीशन यहां पर हम लेके चल रहे हैं, ये यहां पर क्या बन गया, नोड बन गया, यहां पर क्या बन गया आपके पास, एंटी नोड बन गया, यहां पर क्या बन गया आपके पास, नोड बन गया, यहां पर क्या बन गया आपके पास, एंटी नोड बन गया। अब अगर हम ये वाली डिस्टेंस जो है ऑर्गन पाइप की लेंथ अगर स्मॉल एल ले, तो ये वाली देखो वेव कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, तो मैं कहूंगा कि कंप्लीट ओसिलेशन में वो करती है कितनी, लैम्डा, यहां पर देखो लैम्डा बाई 4 कितने पार्ट्स है, यानी एक एंटी नोड और एक नोड के बीच की जो डिस्टेंस होती है लैम्डा बाई 4 उसके कितने पार्ट्स है, तो मैं कहूंगा यहां से यहां तक एक पार्ट हो गया आपके पास, फिर यहां से एंटी नोड से नो सेकेंड पार्ट हो गया, फिर नोड से एंटी नोड आपके पास थर्ड पार्ट हो गया, ये वाली जो डिस्टेंस है वो होती है लैम्डा बाई 4 जो हमने यहाँ पर ले रखी है, तो यहाँ पर टोटल कितनी होगी, लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4, तीन पार्ट बन रहे, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई आपके पास, 3 लैम्डा बाई 4। तो अगर हम बात करें ये वाली डिस्टेंस भी एल ही है और इसी डिस्टेंस को हम लैम्डा के टर्म में लिख रहे हैं 3 लैम्डा बाई 4, तो क्या हो जाएगा, मैं लिखूंगा कि दोनों एक ही लेंथ है और एक ही लेंथ है, तो एल इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4। नेक्स्ट केस की हम बात करें तो ये वाली जो डिस्टेंस है ऑर्गन पाइप की लेंथ जो है वो हमने ले ली एल। अब यहां से अगर हम देखें कि इससे ग्रेटर कंडीशन क्या हो सकती है, जिसके अंदर यहां पर तो बन रहा हो आपके पास नोड और यहां पर बन रहा हो आपके पास एंटी नोड, ऐसी ग्रेटर कंडीशन आप लोगों को देखनी है, तो मैं कहूंगा इससे ग्रेटर कंडीशन देखें, तो ये हाफ ओसिलेशन कंप्लीट हो रहा था, फिर 1/4 ओसिलेशन यहाँ पर कंप्लीट हो रहा था, तो अगर हम बात करें यहां से इसका कंपेरिजन करें तो ये है 1/4 ओसिलेशन आपके पास, ये कितना है, ये है 1 + 1/4 ओसिलेशन, तो नेक्स्ट जो है वो कितना हो जाएगा, तो मैं कहूंगा यहाँ पर एंटी नोड बनना चाहिए, तो एंटी नोड बनना चाहिए, तो हमने इसको बना दिया इस तरीके से,
हमने यहां से इसको बना दिया इस तरीके से, ठीक है। यहां पर क्या बन गया? नोड। यहां पर बीच में क्या बना? एंटी नोड। यहां पर क्या बना? नोड। यहां पर क्या बना? एंटी नोड। यहां पर क्या बना? नोड। यहां पर क्या बन गया? एंटी नोड बन गया। अब देखो यहां से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो मैं कहूंगा नोड टू एंटी नोड डिस्टेंस होती है λ/4, तो वन पार्ट, यहां से सेकंड पार्ट, ये यहां पर हो गया थर्ड पार्ट, ये हो गया फोर्थ पार्ट, ये हो गया फाइव पार्ट, तो मैं कहूंगा फाइव पार्ट बन रहे हैं और ईच पार्ट हैव डिस्टेंस λ/4, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 5λ/4। तो ये वाली जो डिस्टेंस है एल, वो डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी? 5λ/4 के। तो मैं लिखूंगा एल इज इक्वल टू 5λ/4। अब इससे ग्रेटर कंडीशन भी हम देख सकते हैं, लेकिन तीन कंडीशन जब देख लेते हैं तो हमारे पास सफिशियंट डाटा होता है कंपेयर करने के लिए। तो हम यहां पर देखेंगे कि एल की वैल्यू λ/4, एल की वैल्यू 3λ/4, एल की वैल्यू 5λ/4 हमें मिल गई है, और नोड और एंटी नोड जो है वो कंटिन्यूअसली एक के बाद में एक है आते जा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो मैं लिखूंगा कि फ्रीक्वेंसी जो होती है एन, एन इज इक्वल टू होता है वी बाई लेमडा, ठीक है। लेमडा की वैल्यू यहां से देखेंगे तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? लेमडा इज इक्वल टू 4L, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी बन गई? वी अपॉन ए 4L। ये आपके पास इनिशियल मिनिमम कंडीशन के अंदर फ्रीक्वेंसी आ रही है, और मिनिमम कंडीशन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी आपको मिलती है उस फ्रीक्वेंसी को आप लोग क्या बोलते हो? इसको बोलते हो आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसको कौन सी फ्रीक्वेंसी बोलते हो? फंडामेंटल है फ्रीक्वेंसी। या फिर इसको क्या बोल सकता हूं? या फिर मैं इसको बोल सकता हूं फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट है हार्मोनिक। जो मिनिमम कंडीशन के अंदर हमने पहले भी बात की थी कि जो फ्रीक्वेंसी की मिनिमम वैल्यू आती है, वही मिनिमम वैल्यू जो होती है फ्रीक्वेंसी की, वो क्या बोली जाती है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोली जाती है। तो यहीं पर हम बात कर रहे हैं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या फिर इसको क्या बोला जाता है? फर्स्ट हार्मोनिक। अगर हम सेकेंड की बात करें इसकी, तो सेकेंड के अंदर एल की वैल्यू है आपके पास 3λ/4, 3λ/4 है, तो मैं कहूंगा कि जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी वी बाई लेमडा होती है। लेमडा की वैल्यू यहां से देखेंगे तो लेमडा की वैल्यू कितनी आएगी? 4L/3, तो रख दो यहां पर 4L/3 रखूंगा तो कितनी आ गई? 3V/4L। ये आपके पास सेकेंड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है। अब अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि ये मिनिमम है या ये मिनिमम है, पहले ही कैसे पता चल गया? तो जो मिनिमम कंडीशन होती है जिसके अंदर वेव का मिनिमम पार्ट यूज होता है, उस कंडीशन में हमेशा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ही होती है, क्योंकि मिनिमम कंडीशन हम शुरुआत से लेके ही चल रहे हैं। अब ये और ये, इन दोनों फ्रीक्वेंसी का अगर कंपेरिजन करें तो ये वैल्यू है V/4L, ये वैल्यू है 3V/4L। इसका 3 टाइम्स है, इसका कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। तो इसका 3 टाइम्स है, तो मैं कहूंगा कि यहां पर देखो कि ये जो वैल्यू है वो इस फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर वैल्यू है, और इस फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर वैल्यू है, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा कि ये आपके पास यहाँ पर की वैल्यू है वो N1 की 3 टाइम्स है, और N2 की वैल्यू N1 की 3 टाइम्स है। इसका मतलब मैं लिख लेता हूँ कि N2 इज इक्वल टू 3N1 3 टाइम्स है। तो कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 से। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा थर्ड हार्मोनिक, या फिर क्या बन गया ये? या फिर बन गया ये फर्स्ट अवर्टोन, थर्ड हार्मोनिक या फर्स्ट अवर्टोन। क्यों बना? क्योंकि ये 3 टाइम्स यहां पर हो रहा है, जितने टाइम्स होगा उतने ही हम हार्मोनिक्स बोलेंगे। तो ये बन गई आपके पास थर्ड हार्मोनिक। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू देखें तो मैं कहूंगा वही N3 इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई लेमडा। लेमडा की वैल्यू L की टर्म के अंदर कितनी आएगी? 4L/5, तो कितना बन जाएगा? 5V/4 है
एल। अब ये जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आई है अपने पास, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देखो लगातार जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, लगातार इंक्रीज होती जा रही है। यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो इनिशियल की कितनी टाइम्स है, तो इनिशियल मैं बोलूंगा वी बाई फोर एल है, तो वी बाई फोर एल यानी एन वन की कितनी टाइम्स आ गई, 5 टाइम्स से एन वन की आ गई। तो यहाँ से देखो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको मैं बोलूंगा फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, और क्या बोल सकता हूं इसको, सेकेंड अवर्टोन, फर्स्ट हार्मोनिक या सेकेंड अवर्टोन इसको मैं बोल सकता हूं। तो अपने पास क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तीन कंडीशन मिनिमम से लेकर थर्ड कंडीशन तक हमने यहाँ पर बना दी। मिनिमम कंडीशन के अंदर जो अपने पास हार्मोनिक है वो फर्स्ट हार्मोनिक, और या फिर इस फ्रीक्वेंसी को हम बोल सकते हैं फंडामेंटल है फ्रीक्वेंसी। अब अगर हम यहाँ पर इन तीनों का रेशियो देखें, इन तीनों फ्रीक्वेंसीज का रेशियो देखें, तो रेशियो देखो कितना हो जाएगा, एन वन है आपके पास वी अपॉन फोर एल, एन टू है 3N1, एन थ्री है 5N1। तो अगर फ्रीक्वेंसीज का रेशियो देखें हम लोग यहां पर, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो रेशियो क्या आएगा आपके पास, N1 रेशियो N2 रेशियो N3 इज इक्वल टू 1:3:5, यानी केवल ऑड जो हार्मोनिक है वही यहां पर प्रेजेंट है, इवन हार्मोनिक यहां पर प्रेजेंट नहीं है। आगे का जो डाटा है वो हम कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे, तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर किस तरीके का केस अपने सामने आता है। तो वो ही तीन केस जो है वो हम यहां पर लेके चलेंगे अपने पास, तीन केस यानी मिनिमम से लेकर थर्ड कंडीशन तक हम ओपन ऑर्गन पाइप बना रहे हैं। ओपन ऑर्गन पाइप होने का मतलब है कि दोनों एंड जो है वो कैसे हो, दोनों एंड हो ओपन। इसके अंदर देखो दोनों एंड जो है वो ओपन नहीं थे, एक एंड ओपन था, दूसरा एंड जो है वो क्लोज था, तो इसको बोल दिया क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर एक एंड ही नहीं, दोनों एंड जो है वो कैसे हैं, ओपन है। हम तीन केस यहाँ पर लेके चल रहे हैं, तो हम तीन बना लेते हैं यहाँ पर कि मिनिमम से लेकर हम मैक्सिमम, सॉरी थर्ड कंडीशन तक लेके चलेंगे। तो यहाँ पर हमने जो है वो तीन यहाँ पर डायग्राम है बना लिए हैं, और इसके अकॉर्डिंग जो है हम जो देखेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से जो है वो ऑर्गन पाइप को हमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, ये आपके पास ऑर्गन पाइप है और ये है थर्ड कंडीशन यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम फर्स्ट कंडीशन की बात करेंगे तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर किस तरीके से बनेगी वेव, फर्स्ट कंडीशन के अंदर अगर हम बात करें कि ओपन एंड है, तो ओपन एंड के ऊपर हमेशा हमेशा क्या बनता है, तो मैं कहूंगा ओपन एंड पर हमेशा बनता है एंटी नोड, ठीक है। तो इसके तो दोनों ही एंड जो है वो ओपन है, दोनों ही एंड ओपन होने का मीनिंग हो गया कि यहां पर और यहां पर दोनों जगह ही क्या बनेंगे, एंटी नोड बनेंगे। अब दोनों ही जगह एंटी नोड यहां पर अपने पास बनेंगे, तो हम ये कहेंगे कि वेव की जो मिनिमम वाली कंडीशन है वो होगी क्या, तो मिनिमम वाली कंडीशन क्या हो सकती है यहाँ पर, तो मैं कहूंगा एंटी नोड यहाँ पर बनना चाहिए, एंटी नोड यहाँ पर बनना चाहिए। तो मिनिमम वाली कंडीशन तो कुछ इस तरीके की हो सकती है, उससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकती, या आपके पास मिनिमम वाली कंडीशन जो है वो यहाँ पर हो सकती है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास बन गया बीच के अंदर नोड, और ये दोनों हो गए आपके पास एंटी नोड। अगर मैं इसकी लेंथ को एल लूं, ऑर्गन पाइप की लेंथ को, तो लैम्डा की टर्म के अंदर वेव कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, तो देखो एक एंटी नोड और एक नोड के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है, वो λ/4 होती है। तो ये λ/4, ये λ/4, तो टोटल कितना हो गया λ/2। तो ये वाली जो जो डिस्टेंस वेव कवर कर रही है वो कितनी आ गई, λ/2। अब डिस्टेंस तो दोनों एक ही है, और एक ही डिस्टेंस है, इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया कि जो L की वैल्यू है
वो ही किसकी वैल्यू है, लैम्डा वाई टू की वैल्यू है। दोनों की वैल्यू जो है वो कैसी है, सेम है, और दोनों की वैल्यू सेम हो गई। अगर नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट क्या कंडीशन हो सकती है, तो हम कहेंगे यहां पर बनना चाहिए आपके पास एंटीनोड और यहां पर बनना चाहिए आपके पास एंटीनोड। दोनों ही जगह जो है वो कैसा बनना चाहिए, एंटीनोड बनना चाहिए। तो अगर दोनों ही जगह हमें एंटीनोड बनाना है तो कैसे बनाए हम लोग, हम दोनों ही जगह एंटीनोड बनाए तो मैं कहूंगा यहां से एक वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है, यहां तक गए ठीक है, यहां से एक वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है और वो आ गई इस तरीके से ठीक है। तो ये देखो दोनों ही एंड के ऊपर क्या बन गए आपके पास, एंटीनोड बन गए, दोनों ही एंड पर एंटीनोड बन गए। यहां पर एंटीनोड, यहां पर क्या बना, नोड बन गया। यहां पर क्या बनेगा, एंटीनोड, यहां पर क्या बन गया, नोड, और लास्ट में क्या बना हुआ है, एंटीनोड बना हुआ है। अगर हम यहां पर ऑर्गन पाइप की लेंथ को स्मॉल एल ले तो एल, ये तो एल हो गई। अब अगर लैम्डा की टर्म के अंदर देखें कि ये कितनी डिस्टेंस वेव कवर कर रही है, तो मैं कहूंगा नोड और एंटीनोड के बीच की डिस्टेंस जो है वो होती है आपके पास लैम्डा बाई फोर। तो कितने पार्ट्स हैं यहां पर, वन टू थ्री फोर, फोर पार्ट्स हैं। ईच पार्ट हैव डिस्टेंस लैम्डा बाई फोर, देन ऑल फोर पार्ट्स हैव लैम्डा। ये डिस्टेंस हमने निकली कितनी, लैम्डा। तो कितना हो जाएगा, मैं कहूंगा वो जो डिस्टेंस एल है वही डिस्टेंस लैम्डा भी है। तो एल इज इक्वल टू किसके आ गया आपके पास, लैम्डा के इक्वल आ गया। लैम्डा बाई फोर प्लस लैम्डा बाई फोर प्लस लैम्डा बाई फोर प्लस लैम्डा बाई फोर, तो ये आपके पास डिस्टेंस आ गई कितनी, लैम्डा। अगर इसके अंदर हम बात करें कि इससे ग्रेटर कंडीशन क्या हो सकती है, तो इससे ग्रेटर कंडीशन क्या हो जाएगी आपके पास, मैं कहूंगा यहां से कोई वेव जो है उसका प्रोपेगेशन हो रहा है और वो इस तरीके से चली है, यहां से वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है और वो इस तरीके से चली गई। तो यहां पर देखो क्या बना, यहां पर बना आपके पास एंटीनोड, यहां पर भी क्या बन रहा है, एंटीनोड, यहां पर क्या बना, नोड, यहां पर क्या बनेगा, एंटीनोड, यहां पर क्या बनेगा, नोड, यहां पर क्या बनेगा, सॉरी यहां पर क्या बनेगा, एंटीनोड, यहां पर बनेगा नोड, और वापिस से क्या बन गया, एंटीनोड बन गया। अगर ये वाली डिस्टेंस जो है वो हम लें स्मॉल एल, तो स्मॉल एल डिस्टेंस तो ये वाली ऑर्गन पाइप की लेंथ हो गई आपके पास। अब अगर हम बात करें कि यहां से यहां तक वेव जो है वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, तो मैं लेमडा बाई फोर के पार्ट देखता हूँ। ये आपके पास वन पार्ट हो गया, ये हो गया टू पार्ट, ये हो गया थ्री पार्ट, ये हो गया फोर्थ पार्ट, ये हो गया फिफ्थ पार्ट, ये हो गया सिक्स पार्ट। तो लेमडा बाई फोर के जो है वो सिक्स इक्वल पार्ट हो गए। तो सिक्स इक्वल पार्ट हो गए यानी जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, तो मैं कहूंगा डिस्टेंस हो गई सिक्स लेमडा बाई फोर। और सिक्स लैम्डा बाई फोर का मीनिंग क्या हो गया, टू से कैंसिल आउट करें तो थ्री लैम्डा बाई टू। तो ये जो डिस्टेंस आपके पास वो वेवलेंथ की टर्म में हो गई थ्री लैम्डा बाई टू। तो यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं, एल इज इक्वल टू थ्री लैम्डा बाई टू, ये डिस्टेंस हमने यहां पर लिख ली। अब देखिए यहां पर अगर हम फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू को कैलकुलेट करें कि फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू कितनी कितनी हो जाएगी, तो इसके अंदर एल इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू हमें पता है, क्या पता है, एन वन इज इक्वल टू वी बाई लैम्डा। वी की वैल्यू वी ही है, लैम्डा की वैल्यू कितनी एल के टर्म के अंदर, टू एल, तो वी अपॉन ए टू एल, ये आपके पास आ गई एन वन की वैल्यू। अब मुझे नहीं पता ये मिनिमम है या मैक्सिमम है, तो सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू देख लेता हूँ आगे वाले की। अगर इसकी लिए मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देखूं तो एन टू इज इक्वल टू वी बाई लैम्डा, वी की वैल्यू अपॉन में लैम्डा की वैल्यू एल के इक्वल, तो ये आ गया आपके पास वी अपॉन एल। तो एन टू की जो वैल्यू है सेकेंड वाली जो फ्रीक्वेंसी आई आपके पास वो आ गई वी अपॉन एल। अगर हम बात करें इसकी, तो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, तो मैं कहूंगा एन थ्री इज इक्वल टू वही वी बाई लैम्डा, वी तो वी ही है, अपॉन में लैम्डा की वैल्यू एल की टर्म में कितनी,
2L/3, तो 3 तो ऊपर चला गया और 2L चला गया नीचे, तो जो N3 की वैल्यू आपके पास आ गई, जो थर्ड फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू आ गई 3V/2L। अब ये देखो कि कौन सी वैल्यू इन तीनों में से मिनिमम है और कौन सी वैल्यू जो है वो इन तीनों में से मैक्सिमम है। तो मैं कहूंगा ये जो वैल्यू है V/2L ये इन तीनों के अंदर मिनिमम है, और सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी को ही हम क्या बोलते हैं, सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी को ही हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मैं बोल सकता हूं फर्स्ट हार्मोनिक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक्स बोल सकता हूं। अगर इसकी हम बात करें तो इसके अंदर देखो ये जो है वो कितने टाइम्स है इसका, ये जो है N2 वो N1 का कितने टाइम्स है, तो N1 की वैल्यू है V/2L, N2 की वैल्यू है V/L। इसका मतलब N2 इज इक्वल टू 2N1 है, क्या 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स अगर है तो इसको मैं क्या बोलूंगा कि ये कौन सी हार्मोनिक है, तो मैं कहूंगा ये जो है वो सेकेंड हार्मोनिक है, और सेकेंड हार्मोनिक के साथ साथ क्या है ये फर्स्ट आवर्तोन भी है। सेकेंड हार्मोनिक होने के साथ साथ ये फर्स्ट आवर्तोन भी है। अगर उसकी हम बात करें तो उसके अंदर देखो N3 जो है वो कितने टाइम्स हो रहा है N1 का, तो मैं तो लिखूंगा N3 इज इक्वल टू 3V/2L, किसकी वैल्यू थी N1 की, तो N1 का कितने टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक, और कौन सा आवर्तोन हो जाएगा, ये सेकेंड आवर्तोन हो जाएगा, थर्ड हार्मोनिक या सेकेंड आवर्तोन हो गया आपके पास। तो इतनी ही, अब अगर हम इसके अंदर रेशियो भी देखना चाहें, क्योंकि कंपेयर हम रेशियो तक कर रहे हैं, उसके बाद में इसे साफ करके हम आगे का कंपेरिजन और करेंगे, तो अगर हम यहाँ पर रेशियो और देख लेते हैं फ्रीक्वेंसीज का, तो रेशियो अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा आपके पास, अगर मैं रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी देखूं, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी तो कितना हो जाएगा, N1 रेशियो N2 रेशियो N3, तो हम बात करेंगे कि V/2L जो है वो तीनों के अंदर सेम ही है। V/2L यहाँ पर अगर मैं इसको लिख दूं 2V/2L, यहाँ पर 3V/2L, तो ऐसे लिखूंगा तो V/2L तीनों के अंदर ही कॉमन आएगा, तो क्या बचाएगा आपके पास 1:2:3। तो ये जो है वो आपके पास इन रे फ्रिक्वेंसीज का रेशियो हो गया, और इसके अंदर जो रेशियो आ रहा है फ्रिक्वेंसी का वो क्या आ रहा है 1:3:5। तो इसके अंदर क्लोज्ड और ओपन दोनों का अगर हम कंपेरिजन करें, तो दोनों को कंपेयर करने पर हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसीज है वो केवल और केवल 1, 3, 5, 7 ऐसे ही प्रेजेंट रहेंगे। अगर इसके अंदर हम बात करें तो 1, 2, 3 जो है 4, 5, 6 ऐसे ही आगे की ओर चलती जाएगी, सारी की सारी प्रेजेंट रहेगी। तो इसके अंदर तो बोथ ओड एंड इवन फ्रीक्वेंसीज आर प्रेजेंट, लेकिन इसके अंदर ओनली ओड फ्रीक्वेंसीज, केवल और केवल ओड फ्रीक्वेंसी जो है वो ही प्रेजेंट है, यानी 2 गायब है 4 गायब है, आगे 6 गायब हो जाएगी। तो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी जो है वो उनका रेशियो केवल ओड है, उसके अंदर ओड एंड इवन है बोथ है। अब अगर हम आगे इसका कंपैरिजन कर दें, उससे पहले आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए, कोई चीज कहीं पर छूट गई हो तो वो अपनी कॉपी के अंदर नोट कीजिए।
चलिए अगर हम अगला कंपैरिजन देखें कि अगला कैसे कंपेयर हो सकता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी ओपन और क्लोज ऑर्गन पाइप की, तो इधर अपने पास कौन सा था, इधर था क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। आगे इसे आपको नीचे ही कंटिन्यू करते जाना है, क्लोज्ड ऑर्गन है पाइप, और जो अपने पास सेकेंड वाला था ओपन ऑर्गन पाइप। हम कंपेयर के अंदर फर्स्ट चीज रेशियो हमने देख लिया था कि रेशियो उसका क्या क्या रहता है, हार्मोनिक्स का रेशियो। तो अगर हम फर्स्ट इसके अंदर क्लोज्ड के अंदर चीज देखें तो क्लोज्ड के अंदर जो रेशियो अपने को मिला था वो मिला था 1:3:5:7, और ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर हार्मोनिक्स का रेशियो क्या मिला था अपने पास, 1:2:3:4, ऐसे ही आगे की ओर जाता जाएगा। तो अगर हम क्लोज ऑर्गन पाइप के बारे में एक बात लिखना चाहें तो मैं लिखूंगा इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, केवल ऑड हार्मोनिक्स जो है वही प्रेजेंट रहती हैं। लेकिन उसके अंदर क्या लिख सकता हूं मैं, इसके अंदर बोल सकता हूं इन ओपन ऑर्गन पाइप, इन ओपन ऑर्गन पाइप बोथ ऑड एंड इवन हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। दोनों की दोनों रेशियो क्या रहता है, 1:2:3:4, यानी दोनों की दोनों जो है ऑड और इवन दोनों की दोनों हार्मोनिक्स वहां पर प्रेजेंट रहती हैं। अब अगर हम सेकेंड की बात करें कि आपके पास इसके अंदर जो ओवरटोन आए थे उन ओवरटोन का अगर हम रेशियो देखें कि ओवरटोन का रेशियो क्या हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा रेशियो ऑफ ओवरटोन। अवरटोन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, अवरटोन स्टार्ट हुआ था सेकेंड हार्मोनिक से। तो सेकेंड हार्मोनिक से अगर हम स्टार्ट होने की बात कहें तो सेकेंड हार्मोनिक्स की जो वैल्यू थी N2 = आपके पास, ऐसे ही थर्ड हार्मोनिक N3 की जो वैल्यू थी उसके बेसिस पर अगर हम देखें तो जो आपके पास अवरटोन है तो फर्स्ट अवरटोन, यहाँ पर N1 का मीनिंग ये नहीं है कि फर्स्ट वाले के अंदर क्या था, मैं ये बोल रहा हूं यहाँ पर N11 जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्स्ट अवरटोन को। तो फर्स्ट अवरटोन, फिर सेकंड अवरटोन, फिर थर्ड अवरटोन का जो रेशियो है वो क्या आएगा, तो इसके अंदर आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को रिमूव कर दो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को रिमूव कर देता हूं तो रेशियो जो है वो क्या आएगा अपने पास, 3:5:7:9। तो जो एवरटोन का रेशियो है वो क्या हो जाएगा आपके पास, 3:5:7:9। अगर हम बात करें फिर पी, जो पी एवरटोन है वो कितने हार्मोनिक्स के इक्वल होगा, जैसे थर्ड एवरटोन है वो कितने नंबर के हार्मोनिक्स के इक्वल होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि पी पीथ एवरटोन इज इक्वल टू 2p+1 हार्मोनिक, 2p+1 हार्मोनिक्स। क्लोज्ड के अंदर क्या लिख सकते हैं कि pth ओवरटोन इज इक्वल टू 2p+1 हार्मोनिक्स, यानी आपके पास ये देखना है कि सेकेंड ओवरटोन किसके इक्वल होगा। तो मैं लिखूंगा सेकेंड ओवरटोन इज इक्वल टू 2 × 2 कितना बन गया, 4, 4+1 फिफ्थ हार्मोनिक्स के इक्वल हो जाएगा। तो हमने जो है जब हमने वैल्यू देखी थी वो भी थर्ड के अंदर सेकेंड के अंदर, तो थर्ड की जो वैल्यू थी वो 5V/4L थी। तो उसी के बेसिस पर हम लोग यहाँ पर इस इक्वेशन के बेसिस पर हम लोग इजीली जो है बिना पूरा सोल्व किए हुए भी किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सी अवरटोन किस हार्मोनिक्स के इक्वल हो जाएगी। अगर नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें कि मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ जो है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की वो कितनी हो सकती है, मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ
मैक्सिमम इसके अंदर वेवलेंथ कितनी हो सकती है? तो मैक्सिमम वेवलेंथ यानी क्या चीज पूछ रहे हैं सर? मैक्सिमम वेवलेंथ का मीनिंग क्या हो गया? तो देखो, सबसे पहली चीज हमने क्या लिखी थी, एल एंड लेमडा के अंदर एक रिलेशन। अगर हम एल और लेमडा के अंदर रिलेशन देखें तो फर्स्ट के अंदर अपने पास जो है वो रिलेशन क्या आया था, मैं लिखूंगा, जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आपके पास आई थी या लेमडा और एल के अंदर जो आपके पास रिलेशन आया था वो आया था एल इज इक्वल टू लेमडा बाई 4, ठीक है। दूसरा जो आपके पास रिलेशन आया था वो आया था 3 लेमडा बाई 4, और जो थर्ड रिलेशन आया था वो आया था 5 लेमडा बाई 4, यही आया था। अब आपको ये पूछ रहा है कि वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम कितनी पॉसिबल है इसके अंदर, तो मैक्सिमम कितनी पॉसिबल है, तो मैं यहाँ पर लेमडा की वैल्यू को लिखूं तो लेमडा इज इक्वल टू 4L, यहाँ पर लेमडा की वैल्यू लिखूंगा तो लेमडा इज इक्वल टू 4L/3, यहाँ पर लेमडा की वैल्यू लिखूंगा तो कितनी आएगी 4L/5। तो यहाँ पर देखो कि ये मैक्सिमम है या ये मैक्सिमम है, मैं कहूंगा 4L जो है वो क्या है, मैक्सिमम है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो 4L अगर मैक्सिमम है यहाँ पर तो इसी को हम बोलेंगे मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ इन क्लोज्ड ऑर्गन है पाइप। तो कितनी हो सकती है मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ, तो मैं लिखूंगा इसके अंदर मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ हो सकती है 4A L। अगर हम बात करें इसके अंदर आगे कि अगर वेवलेंथ का जो है वो हमें जनरल फॉर्मूला जो है वो पता करना हो, वेवलेंथ जो है उसका हमें एक जनरल फॉर्मूला पता करना हो, कि जनरल फॉर्मूला अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम वेवलेंथ का, जिससे हमें पूरा का पूरा सोल्व करने की या वेव बनाने की जरूरतें ना पड़े। जो जनरल फॉर्मूला ऑफ वेवलेंथ है वो कितना होगा, तो मैं लिखूंगा जनरल फॉर्मूला फॉर वेवलेंथ, जनरल फॉर्मूला फॉर वेवलेंथ क्या हो जाएगा, तो जनरल फॉर्मूला जो वेवलेंथ का होता है लैम्डा इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा 4L/2n-1। कितना लिखा मैंने जनरल फॉर्मूला, 4L/2n-1। अब ये कोई डायरेक्ट बात नहीं है जो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया और आप लोग आंखें बंद करके उसे रट लें, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जो अपने पास वैल्यूज आई है, वेवलेंथ की जो वैल्यूज आई है उसी के बेसिस पर ये फॉर्मूला बना है। जैसे मैं एन की वैल्यू रख दूं 1, तो एन की वैल्यू 1 रखूंगा तो 2-1 1, लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 4L। तो हमारे पास भी मिनिमम वाली कंडीशन के अंदर लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही थी 4L। अगर मैं 2 रख देता हूँ 2 × 2 4, 4-1 3, 4L/3। सेकेंड कंडीशन के अंदर अपने पास लैम्डा की वैल्यू क्या आई थी 4L/3। तो ये कोई डायरेक्ट ऐसी कोई फॉर्मूला नहीं है, ये हमने किसके बेसिस पर बनाया, इसी के बेसिस पर हमने इस फॉर्मूले को बना दिया। यहाँ पर एन की जो वैल्यू है, एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 जितने उसके अंदर जो भी आप लोग कंडीशंस ले रहे हो, मिनिमम वाली, उससे ग्रेटर, उससे ग्रेटर, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग एन की वैल्यू हम पुटे कर लेते हैं। तो ये आपके पास जनरल फॉर्मूला हो गया वेवलेंथ का। अगर हम फ्रीक्वेंसी का जनरल फॉर्मूले की बात करें तो फ्रीक्वेंसी का जनरल फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाएगा, तो मैं लिखता हूं जनरल फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी, फॉर फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमने दे रखी की है n1 इज इक्वल टू v बाई 4l, n2 इज इक्वल टू 3v बाई 4l, n3 इज इक्वल टू 5v बाई 4l। तो उसी को अगर हम जनरल टर्म के अंदर लिखना चाहें तो जनरल टर्म के अंदर मैं क्या लिखूंगा, जनरल टर्म के अंदर n इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 2n-1v/4l। देखो जरा ये चेक करो, n की जगह 1 रखूंगा तो 2-1 1v/4l आ गया, एन की जगह 2 रखूंगा तो 4-1 3 3v/4l आ गया। तो ये जो फॉर्मूला है वो जनरल फॉर्मूला है आपके पास फ्रीक्वेंसीज का, ठीक है। इसके बेसिस पर आप डायरेक्ट ये देख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, किसके बेसिस पर, एन के बेसिस पर, एन इज इक्वल टू 1, 2, 3। अगर आपको बार बार फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी याद रखने में प्रॉब्लम होती है, रटने में प्रॉब्लम होती है, तो आप ये ध्यान में रख सकते हो दोनों फॉर्मूले, एन इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो मिनिमम वाली कंडीशन आएगी और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो अपने पास आ जाएगी।
तो ये यहाँ पर जो है वो कुछ बातें हमने यहाँ पर लिखी है किसके लिए, क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए, जो आपको ध्यान में रखनी है। दो बातें और भी है, लेकिन उससे पहले हम ओपन ऑर्गन पाइप की बात करेंगे। अब ओपन ऑर्गन पाइप की अगर हम बात करें तो ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर आपने फर्स्ट बार जो है वो क्या लिख कर दी है कि ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर ऑड एंड इवन दोनों हार्मोनिक्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। चलिए अगर रेशियो की हम बात करें, रेशियो ऑफ पावर टोन की बात करें हम लोग, रेशियो ऑफ हार्मोनिक्स जो है वो तो हमने नोट कर रखा है। अगर हम बात करें रेशियो ऑफ पावर टोन, तो पावर टोन का जो रेशियो है उसके अंदर आपको फर्स्ट हार्मोनिक या जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है उसको रिमूव करना है। उसको रिमूव करने के बाद में जो रेशियो बच जाएगा वही रेशियो क्या हो जाएगा, पावर टोन का रेशियो हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा N1, यानी फर्स्ट पावर टोन, फर्स्ट फ्रिक्वेंसी नहीं है ये, फर्स्ट आवर टोन, सेकंड आवर टोन, थर्ड आवर टोन, इनका अगर हम रेशियो लिखें तो रेशियो क्या हो जाएगा, फर्स्ट को हटा दो आप लोग फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक को, अगर उसको हम हटा देंगे तो क्या बनेगा अपने पास, 2:3:4:5 एंड सो ऑन आगे की ओर जाता जाएगा। तो ये बन गया आपके पास रेशियो किसका, आवर टोन का। अब अगर हम फिफ्थ आवर टोन और हार्मोनिक के अंदर रिलेशन देखें, फिफ्थ आवर टोन और अगर हम हार्मोनिक्स के अंदर रिलेशन देखें तो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा मैं यहाँ से देख कर बताऊँ आप लोग। अगर मैं लिखूँ फिफ्थ आवर टोन, कितना डिफरेंस होता है आवर टोन और हार्मोनिक के अंदर, तो मैं कहूंगा आवर टोन और हार्मोनिक के अंदर डिफरेंस होता है 1 का, कि हार्मोनिक का रेशियो स्टार्ट होता है 1:2:3:4:5 और आवर टोन का रेशियो स्टार्ट होता है 2:2:3:4:5, यानी 1 का डिफरेंस रहता है। तो 1 का डिफरेंस रहता है यानी मैं बोलूंगा P plus 1 हार्मोनिक, यानी सेकंड आवर टोन कौन सी हार्मोनिक के इक्वल होगा, सेकंड आवर टोन थर्ड हार्मोनिक के इक्वल होगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट की कि अगर मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ कितनी होती है इन ओपन ऑर्गन पाइप, मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ कितनी होगी, तो मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो वैल्यू हम देखते हैं, जैसे हमने इसके अंदर तीनों वैल्यूज देखी थी, तो इसके अंदर यही वैल्यू अगर हम देखें तो क्या आई थी आपके पास, एल इज इक्वल टू लेमडा बाई टू, फिर एल इज इक्वल टू लेमडा, उसके बाद में क्या था, एल इज इक्वल टू 3 लेमडा बाई 2। तो अगर हम मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ यानी लेमडा की मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर लेमडा इज इक्वल टू 2L, यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू एल, यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू 2L/3, 3 greater 2 small। तो यहाँ पर देखो मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ कितनी है, 2L। तो मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ इन ओपन ऑर्गन पाइप लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू 2L, ये मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ इसकी होती है। अगर हम जनरल फॉर्मूले की बात करें कि वेवलेंथ का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला फॉर वेवलेंथ, अगर हम वेवलेंथ के जनरल फॉर्मूले की बात करें तो आप कंपेयर करके लिख सकते हो या फिर देख सकते हो कि हमारे पास लैम्डा की वैल्यू जो है वो क्या क्या आ रही है उसके बेसिस पर। लैम्डा की वैल्यू 2L, लैम्डा की वैल्यू L, लैम्डा इज इक्वल टू 2L/3। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करके देखें तो जो अपने पास जो बेसिक फॉर्मूला आ जाएगा वेवलेंथ का, वो बेसिक फॉर्मूला क्या आएगा, कंपेयर करके देखो जरा। यहाँ से हमने लिखा था लैम्डा इज इक्वल टू 4L/2N-1, यहाँ पर जो हम 4L/2N-1 लिखा था लैम्डा, तो वहां पर वेवलेंथ का जो बेसिक फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है, वो क्या लिखेंगे हम लोग, अरे कंपेयर करो यहाँ से। अगर मैं अपने अकॉर्डिंग लिखूं तो मैं लिखूंगा लैम्डा इज इक्वल टू 2L/N, एन की वैल्यू 1 रखो, एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू किसके, 2L। एन की वैल्यू 2 रखो, एन की वैल्यू 2 रख दी तो 2 से 2 कैंसिल आउट, लैम्डा किसके इक्वल आ गया, एल के इक्वल आ गया। ऐसे ही एन की वैल्यू 3 रख देंगे तो 3 रखने पर लैम्डा किसके इक्वल आ गया, 2L/3 के। तो लैम्डा का जो जनरल फॉर्मूला है वेवलेंथ का वो क्या होता है, 2L/N, और N की वैल्यू 1, 2, 3, 4 जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी। आपको मिनिमम वाली केस के अंदर N की वैल्यू कितनी लेनी है, 1 लेनी है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी के जनरल फॉर्मूले की बात करूं, जनरल फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी, फॉर
फ्रीक्वेंसी, तो जनरल फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा आपके पास, तो यहां पर हम बात करेंगे कि जनरल फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का कितना था, 2n-1v/4l। तो वहां पर जो जनरल फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का वो कितना हो जाएगा आपके पास, मैं कहूंगा यहां पर जो जनरल फॉर्मूला है वो n इज इक्वल टू हो जाएगा 4v/n l। अगर मैं n की वैल्यू चेक करूं, सबसे पहला काम है चेक करना, ठीक है, जैसे हमने सबको चेक किया ना, इसको चेक करो क्या ये सही है क्या। मैं n की वैल्यू 1 रख देता हूँ, n की वैल्यू 1 रखने पर अपने पास वैल्यू क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई 4v/l। क्या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यही आई थी क्या अपने पास, क्या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यही आई थी क्या अपने पास, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आई थी n1 इज इक्वल टू v/2l। क्या आई थी, v/2l। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू v/2l आनी चाहिए, तो v/2l कैसे आएगी यहाँ पर, तो v तो है वो हमेशा ऊपर आएगा, ठीक है, ऊपर ही आने दो। n की वैल्यू हमें रखनी है 1 n v/2l आना चाहिए, ठीक है, तो मैंने लिख दिया n v/2l। एन की वैल्यू 1 रखी, एन की वैल्यू 1 रखेंगे क्या बन जाएगा, v/2 है, बिल्कुल सही है। एन टू की वैल्यू क्या आई थी अपने पास, एन टू की वैल्यू थी v/l, रखो एन की जगह 2, एन की जगह 2 रखूंगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया v/l, तो ये बन गया v/l। तो जनरल फॉर्मूला जो फ्रीक्वेंसी का है वो क्या बन गया, n v/2l। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देख के सीखने की जरूरत है, ऐसे नहीं है कि कैसे भी आप फॉर्मूले को रटना चाहो। n की जो वैल्यू है वो कितनी, 1, 2, 3 एंड सो ऑन कहीं तक भी हो सकती है, लेकिन याद रखना क्या मिनिमम वाली कंडीशन हो, तो n की वैल्यू कितनी लेके चलनी है हमें, n की वैल्यू 1 लेकर लेकर हमें चलनी है। चलिए इसके नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या क्या इसके अंदर और चीजें जो है वो बची हुई है कंपेयर के अंदर। इसके अंदर जो ये अवर्टोन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ये ही मेन है जिनके ऊपर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, और नीट के लिए तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है ऑर्गन पाइप, क्योंकि इसके अंदर थ्योरिटिकल चीजें जो है वो ज्यादा है, जैसे रेशियो हो गया आपके पास, वेवलेंथ के लिए जनरल फॉर्मूला आपको पूछ सकता है, तो ये सारी चीजें जो है वो हमें बहुत ध्यान से पढ़नी चाहिए। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, हार्ड टॉपिक नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई भी कैसा भी क्वेश्चन उठा के दे दिया और आपसे पूछ लेगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। इस चैप्टर के अंदर आपको पॉइंट टू पॉइंट ही क्वेश्चन है मिलेगा, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर अगर हम नेक्स्ट कंपैरिजन देखें, तो नेक्स्ट कंपैरिजन हम क्या बोलेंगे कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर जो नोड और एंटी नोड है उनकी पोजीशंस हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। डायरेक्ट इसलिए लिखते हैं ताकि कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये जो नोड और एंटी नोड की वैल्यूज है वो हमें डायरेक्ट देखनी पड़ती है, ठीक है, बिना देखे आगे क्वेश्चन को हम सोल्व नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए आपको ये फायदेमंद हो जाएगा, फालतू की कैलकुलेशन से आप लोग बच जाएंगे। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर अगर हम नोड की पोजीशंस की बात करें, तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप था आपके पास इस तरीके से, इसके अंदर यहां पर बन रहा था आपके पास नोड, फिर एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड, फिर नोड, यहां पर क्या बन गया, एंटी नोड। इस तरीके से आपके पास कोई भी शेप बन गई, मैं एक नॉर्मल कंडीशन ले रहा हूं, ठीक है, इसके अंदर एन की वैल्यू ये कितनी है आपके पास, एन की वैल्यू कितनी बताओगे, एक नोड और एक एंटी नोड बन रहा है, यहां पर बन गया आपके पास एंटी नोड, यहां पर बन गया नोड, यहां पर बन गया एंटी नोड, यहां पर बन गया नोड, यहां पर बन गया एंटी नोड। तो आपको ये देखना हो कि क्लोज्ड एंड से कितनी डिस्टेंस पर एंटी नोड है, फिर उससे कितनी डिस्टेंस पर अगला नोड है, कितनी डिस्टेंस पर एंटी नोड है, यानी पोजीशंस अगर आपको देखनी हो नोड और एंटी नोड की, तो वो पोजीशंस जो है वो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, मैं लिखूंगा पोजीशन ऑफ नोड्स फ्रॉम क्लोज
क्लोज्ड एंड या रिजिड एंड, फ्रॉम क्लोज्ड एंड और रिजिड एंड। अगर हम नोड की पोजीशन की बात करेंगे तो नोड की पोजीशंस जो हैं वो आपको क्या दी जाएंगी क्लोज्ड एंड से, मैं लिखूंगा 0 लैम्डा बाई 2, लैम्डा 3, लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा एंड सो ऑन आगे की। और जो आपके पास नोड की पोजीशन है एक एंड से वो क्या होगी, 0, 0 पर नोड है। उसके बाद में लैम्डा बाई 2, तो देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4 कितनी हो गई, लैम्डा बाई 2, तो यहां पर नोड उससे कितनी डिस्टेंस पर, ये रही एक और डिस्टेंस ऐड हो गई 3 लैम्डा बाई 2, उसके बाद में वापिस है 2 लैम्डा। तो ये जनरल पोजिशंस हो गई पार्टिकल नोड की, कि इसके अंदर नोड की जो पोजिशंस है इसके अंदर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर वो क्या होती है, 0 लैम्डा बाई 2 लैम्डा, 3 लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा। अगर हम पोजिशन ऑफ एंटी नोड की बात करें, पोजिशन ऑफ एंटी नोड फ्रॉम ओपन एंड, सॉरी फ्रॉम क्लोज्ड एंड, तो कितनी लिखेंगे हम, क्लोज्ड एंड से डिस्टेंस की बात करें, किसके डिस्टेंस की बात करें, एंटी नोड के डिस्टेंस की बात करें, तो एंटी नोड की डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपके पास, फर्स्ट एंटी नोड देखो कितनी डिस्टेंस पर है, फर्स्ट एंटी नोड ये रहा आपके पास, कितनी डिस्टेंस है ये लैम्डा बाई 4, सेकेंड वाली कितनी डिस्टेंस है आपके पास लैम्डा बाई 4, तो ये हो गई, और उसमें से ये कितनी ऐड हो जाएगी लैम्डा बाई 2, तो टोटल कितनी हो जाएगी आपके पास 3 लैम्डा बाई 4। तो अगर हम पोजीशंस की बात करें तो पोजीशंस क्या हो जाएगी, लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4, अगली क्या हो जाएगी 5 लैम्डा बाई 4 एंड सो आगे की ओर चलती जाएगी। तो ये जो पोजीशंस होती है वो किसकी होती है, एंटी नोड्स की होती है। अब अगर हम इसी तरीके से ओपन ऑर्गन पाइप की बात करें, तो ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर किस तरीके की डिस्टेंस होगी, तो मैं बोलूंगा ओपन ऑर्गन पाइप है अपने पास, अगर हम पोजीशंस की बात करें नोड्स की, तो नोड्स कैसे बनते हैं, तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना के दे लिख लेता हूँ कि यह आपके पास है ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है। ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास, एंटी नोड, यहाँ पर भी क्या बनता है एंटी नोड, यहाँ से एंटी नोड बन रहा है, इसका मनी ऐसे आता जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, वे यहाँ पर इस तरीके से जो वेव है वो आती जाएगी। तो देखिए ये एंटी नोड हो गया, ये एंटी नोड हो गया, बीच में यहाँ पर बन गया नोड, यहाँ पर बन गया आपके पास है नोड, तो डिस्टेंस कितनी होगी, मैं पोजीशंस की बात कर रहा हूँ, पोजीशन ऑफ नोड फ्रॉम वन एंड, कोई भी एक एंड से बात करें, क्योंकि इसके अंदर क्लोजेस्ट एंड तो है ही नहीं, तो वन एंड की बात करें, नोड्स की बात करें, तो नोड जो है वो कितनी डिस्टेंस पर बना, यहाँ से नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस है कितनी होती है लेमडा बाई 4, तो ये लेमडा बाई 4 डिस्टेंस पर बना। नेक्स्ट नोड कब बना, लेमडा बाई 4 प्लस लेमडा बाई 2 यानी 3 लेमडा बाई 4, तो क्या बन जाएगी आपके पास, एक्स जो पोजिशन है वो बन जाएगी लेमडा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4, नेक्स्ट क्या बनेगी 5 लैम्डा बाई 4 एंड सो आगे की ओर जाता जाएगा। अगर हम बात करें पोजीशन ऑफ एंटी नोड, पोजीशन ऑफ एंटी नोड फ्रॉम वन एंड, अगर एंटी नोड की पोजीशंस की बात करें, तो यहाँ पर देखो एंटी नोड कहाँ पर बन रहा है, अगर इसी एंड की बात करें तो 0 पर, उसके बाद में एंटी नोड कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा एंटी नोड बीच में, और उसके बाद में एंटी नोड यहाँ पर बन रहा है, तो देखो एंटी नोड 0, ये एंटी नोड ये वाली 1/4 प्लस 1/4 यानी लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस हो गई, और फिर वापिस से लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस हो गई, तो मैं कहूंगा पोजीशंस क्या होगी, 0 लैम्डा बाई 2 फिर लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस यानी लैम्डा,
उसके बाद में फिर से लैम्डा बाई टू डिस्टेंस यानी 3 लैम्डा बाई 2। तो इस तरीके की डिस्टेंस पोजीशंस जो है वो आपके पास एंटी नोड की होगी। तो ये पोजीशंस जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, डायरेक्ट ध्यान में रखनी है, कोई किसी भी तरीके की रटने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी देख सकते हो कि क्रॉस होता है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब उसकी जो है वो इसके है, इसके जो है वो उसके है, इसके अंदर जो नोड की पोजिशन है वो उसके अंदर एंटी नोड की है, उसके अंदर जो नोड की पोजिशन है वो इसके अंदर एंटी नोड की है। तो इसकी तरीके से भी हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। ये जो ऑर्गन पाइप है ये आपका अब फिनिश हुआ, इसके अंदर और कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बताने लायक हो। बाकी हम जो है लास्ट के अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे इसके, इस टॉपिक के, कंप्लीट टॉपिक के। तो इसके अंदर जितने भी टाइप के क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, वो हम पढ़ेंगे। चलिए पहले हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, आगे इसी के अंदर आगे जो पार्ट है वो हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए नेक्स्ट अपने टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो होता है एंड करेक्शन। एंड करेक्शन का मीनिंग क्या है कि ये जो हम ऑर्गन पाइप की सारी कैलकुलेशन हमने अभी तक की है, इस कैलकुलेशन के अंदर एक छोटा सा करेक्शन होता है, लेकिन उस करेक्शन को आप तब तक नेग्लिजिबल लेकर चलते हो जब तक कि किसी क्वेश्चन के अंदर आपको बकायदा नोट नहीं किया हुआ हो कि आपको एंड करेक्शन लेना है या नहीं लेना है। तब तक आप क्वेश्चन को नॉर्मल जो हमने कैलकुलेशन की है उसी से सॉल्व करेंगे, लेकिन किसी क्वेश्चन के अंदर अगर नाम आ जाता है एंड करेक्शन का, तो उसके अंदर आप कुछ उसके अंदर करेक्शन करके चलते हो। वो करेक्शन क्या होता है वो देखते हैं हम। इस टॉपिक का जो नाम है ऑर्गन पाइप के अंदर ही है और इसको हम बोलते हैं एंड करेक्शन। अब ये एंड करेक्शन जो है वो होता क्या है कि क्या होता है, आपके पास जो है वो एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है और दूसरा आपके पास एक ओपन ऑर्गन है पाइप है। अब इसके अंदर जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं जो एसएचएम करते हैं, जो एयर के मॉलिक्यूल्स एसएचएम करते हैं, उनके पास उनका कुछ फाइनाइट मोमेंटम होता है, और उसी मोमेंटम की वजह से जो यहां पर हम बोलते हैं कि ओपन एंड पर हमेशा एंटी नोड बनता है, रिजिड एंड पर नोड बनता है, इसी तरीके से यहां पर एंटी नोड और यहां पर एंटी नोड बनेगा। तो उस फाइनाइट मोमेंटम की वजह से, एयर के मॉलिक्यूल्स के पास जो मोमेंटम है उस मोमेंटम की वजह से जो एंटी नोड बनता है, वो एंटी नोड जो है वो इस ऑर्गन पाइप की लेंथ के एंड पर, बिल्कुल एंड पर ना बनते हुए उससे कुछ डिस्टेंस ऊपर बनता है। जो एंटी नोड है वो एंटी नोड हम जो है अपनी कैलकुलेशन में लेके चलते हैं यहां पर, ठीक है, लेकिन होता क्या है कि फाइनाइट मोमेंटम की वजह से जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वजह से यहां पर ना बनकर वो एंटी नोड कुछ डिस्टेंस अबो बनता है। इस डिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं, ये वाली जो डिस्टेंस आपके पास है इस डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं ई से, और इसी को बोला जाता है एंटी नोड, सॉरी एंड करेक्शन। यानी क्या होता है एंड करेक्शन, एंटी नोड जो बनता है वो एंटी नोड बिल्कुल इस ऑर्गन पाइप के एंड पर ना बनते हुए इससे अबो कुछ डिस्टेंस पर बनता है, किसकी वजह से, एयर के मॉलिक्यूल्स के फाइनाइट मोमेंटम की वजह से। और इस डिस्टेंस को, जो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, इसी को बोला जाता है एंड करेक्शन। अब अगर मैं ऑर्गन पाइप की जो लेंथ है उसे L1 एज्यूम करूं, इसे L1 एज्यूम करूं, तो जो इफेक्टिव लेंथ बन जाती है आपके पास, जिसे आप लैम्डा के इक्वल करते हो, वो इफेक्टिव लेंथ जो है, वो इफेक्टिव लेंथ अगर मैं L एज्यूम करूं तो L इज इक्वल टू हो जाएगी L1 प्लस E। ये जो E है इसी को बोला जाता है एंड करेक्शन। अगर हम इसकी बात करें ओपन ऑर्गन पाइप की, तो ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर हमने बोल दिया ये ओपन ऑर्गन पाइप का एक एंड है, ये ओपन ऑर्गन पाइप का दूसरा कोई एंड है। अब एंटी नोड जो बनना चाहिए वो एंटी नोड बनना चाहिए यहां पर,
और यहां पर बिल्कुल यहां पर सेंटर में, ताकि डिस्टेंस इक्वल हो जाए, लेकिन एक्चुअल के अंदर ये यहां पर नहीं बनता है। ये कहां पर बनेगा? ये कुछ डिस्टेंस बिलो बनेगा, यहां पर बनेगा एंटीनोड। जो यहां पर बन रहा था वो यहां पर बनता है एक्चुअल में, और जो यहां पर बन रहा है वो एक्चुअल में कुछ डिस्टेंस अबोव बनता है यहां पर। अब ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं एंड करेक्शन, और डिनोट करते हैं हम लोग ई से। तो अगर हम बात करें ओपन ऑर्गन पाइप की, तो ओपन ऑर्गन पाइप के लिए अगर ये जो लेंथ है आपके पास ऑर्गन पाइप की L1, तो मैं बोलूंगा जो इफेक्टिव लेंथ है, जो इफेक्टिव लेंथ है जिसे हम लैम्डा के इक्वल करते हैं, वो इफेक्टिव लेंथ L इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? L1 प्लस 2E। इसी को बोला जाता है एंड करेक्शन। और इसे आप ध्यान में रखोगे कि अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर बोल देता है एंड करेक्शन है, तो एंड करेक्शन होने पर जो आप लैम्डा के इक्वल L की वैल्यू करते हो वो क्या हो जाएगी? L1 प्लस E हो जाएगी। और जो वैल्यू आप ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर करते हो वो उसके अंदर 2E वैल्यू और एडिशनल एड हो जाएगी। यही एंड करेक्शन अपने पास यहाँ पर होता है। अब नेक्स्ट, इसके अंदर जो है एंड करेक्शन के अंदर और कोई भी बात नहीं है, आपको यही ध्यान में रखना है कि एंड करेक्शन को कैसे यूज में लेना है। जो भी आपको लेंथ इफेक्टिव लेंथ ले रहे हो उसके अंदर अगर क्लोज ऑर्गन पाइप है तो ई ऐड कर देना है, अगर आप ओपन ऑर्गन पाइप ले रहे हो तो जो भी आप लेंथ है ऑर्गन पाइप की उसके अंदर क्या ऐड कर देना है? 2E ऐड कर देना है। ये जो ई है इसकी वैल्यूज कितनी होती है? E जो है आपके पास एंड करेक्शन, इस एंड करेक्शन की वैल्यू जो है वो होती है 0.6R। E की जो वैल्यू है वो कितनी होती है? 0.6R। R क्या है? R है यहां पर रेडियस ऑफ ऑर्गन पाइप। R क्या है यहां पर? रेडियस ऑफ ऑर्गन पाइप। रेडियस आपको गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर। अब ये भी एक अपने पास मिल जाएगा कि कैसे हम एंड करेक्शन का यूज करें। अगर आपको किसी ऑर्गन पाइप के क्वेश्चन के अंदर रेडियस गिवन है तो भी आप डायरेक्ट वहां से पता कर सकते हो कि अगर रेडियस गिवन है इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर एंड करेक्शन का यूज होगा। तो ई की वैल्यू कितनी? 0.6 × R। R क्या है? रेडियस ऑफ ऑर्गन पाइप, और इसके अंदर इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं होता है। इसे ई को बोला जाता है एंड करेक्शन। तो ये आप ध्यान में रखोगे। अब नेक्स्ट अपने टॉपिक पर हम चलते हैं। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो होता है रेजोनेंस ट्यूब। नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक है वो क्या होता है? रेजोनेंस ट्यूब। इसे मैं एक बार साफ कर रहा हूं। रेजोनेंस ट्यूब क्या होता है कि एंड करेक्शन का यूज करते हुए हम ये देखते हैं कि ऑर्गन पाइप जो है उसके अंदर रेजोनेंस कब और कैसे स्टेबलाइज करना है। ऑर्गन पाइप के अंदर हमें रेजोनेंस कैसे स्टेबलाइज करना है उसी को हम बोलते हैं, उसी एपेटस को हम बोलते हैं रेजोनेंस ट्यूब। होता क्या है? डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा उधर। रेजोनेंस ट्यूब के अंदर क्या होता है? देखो, रेजोनेंस ट्यूब के अंदर हमारे पास एक कोई एपेटस बना हुआ है, और इस एपेटस के अंदर जो है वो लिक्विड भरा हुआ है। रबर की पाइप से कनेक्ट है, बीच के अंदर स्केल आपके पास जुड़ी हुई है, स्केल से हम लेवल जो है वो देख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि किस तरीके से हम लेवल देखते हुए रेजोनेंस, ये जो ऊपर की ओर ट्यूब बनी हुई है जहां पर टी लिखा हुआ है, इसके अंदर ऊपर की ओर देखें तो एक छोटा सा ऑर्गन पाइप जो है, जो खाली जगह बची हुई है, वो ऑर्गन पाइप की तरह बिहेव करती है। अब ये ऑर्गन पाइप जो है वो क्लोज हुआ या ओपन हुआ तो हम ये कहेंगे कि इसका जो एक एंड है वो वाटर की सरफेस से जुड़ा हुआ है। तो वाटर की सरफेस से कनेक्ट है, इसका मतलब यहां पर जो है
वो आपके पास क्लोज ऑर्गन पाइप है। अगर उसका जो सेकंड वाला डायग्राम आपको नजर आ रहा है, वो डायग्राम मैं यहाँ पर बनाऊं, मैं कहूंगा कि आपके पास कोई एक यूट्यूब है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि आपको क्लियर नजर आए। आपके पास ये कोई एक यूट्यूब है, ठीक है, इसके अंदर वाटर जो है वो भरा हुआ है, यहां तक जो है वो वाटर फिल किया हुआ है। इसके ऊपर जो खाली जगह है, वो खाली जगह ऑर्गन पाइप की तरह बिहेव करती है लॉन्गिट्यूडल वेव के लिए। अब इसके अंदर जो वेव प्रोड्यूस होती है, हम बोलेंगे कि इसके अंदर किस तरीके की वेव प्रोड्यूस होगी, तो मैं यहाँ पर एक जो है ट्यूनिंग फोर्क लगा देता हूँ। ट्यूनिंग फोर्क जब वाइब्रेट होगा तो वो एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करता है, उसकी वजह से यहाँ पर ये जो एयर कोलम बना हुआ है, इस एयर कोलम के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव का प्रोपेगेशन है होता है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव का प्रोपेगेशन होगा तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि जो नॉर्मल कंडीशन है, उस कंडीशन के अंदर इस तरीके से स्टेशनरी वेव जो है, लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव वो बनेंगे। अब इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव बन गई, मैं बोलता हूँ ये जो ऊपर की ओर एयर कोलम बना हुआ है, इसकी लेंथ अगर L1 है, ये जो एयर कोलम बना हुआ है इसकी लेंथ है L1। और हमने अभी अभी पढ़ा है कि एंड करेक्शन के अकॉर्डिंग जो एंटीनोड बनता है, वो एंटीनोड इससे कुछ डिस्टेंस अबो बनता है, और वो डिस्टेंस कितनी होती है, तो मैं कहूंगा वो डिस्टेंस होती है E, स्मॉल E, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 0.6 R। तो यहां पर अगर मैं बात करूं इस ऑर्गन पाइप के अंदर, तो मैं कहूंगा कि यहां से यहां तक जो एंटीनोड से यहां तक की जो डिस्टेंस है, टोटल जो इफेक्टिव डिस्टेंस है आपके पास, या इफेक्टिव जो लेंथ है आपके पास, वो इफेक्टिव लेंथ L इज इक्वल टू है L1 प्लस E, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ये जो यहां से यहां पर जो नोड बन रहा है, उस नोड से यहां पर एंटी नोड जो है, उसकी डिस्टेंस वेव लेंथ की टर्म के अंदर कितनी है, तो मैं कहूंगा कि डिस्टेंस तो वही है, लेकिन वेव लेंथ की टर्म के अंदर वो डिस्टेंस कितनी है, तो देखो कितना पार्ट बन रहा है उसका, 1/4 पार्ट बन रहा है कंप्लीट ओसिलेशन का, तो मैं कहूंगा वो डिस्टेंस है लेमडा बाई 4। तो ये आपके पास एक कंडीशन बन गई कि L1 plus E is equal to lambda by 4, और इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन है फर्स्ट। अब हमने क्या कर दिया, आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा कि जो छोटे वाली ट्यूब है उसके बेसिस पर अगर हम इसके अंदर जो ये लिक्विड का लेवल है, ये लिक्विड का लेवल और कम कर दें, और ज्यादा डिक्रीज कर दें, तो और ज्यादा डिक्रीज करने पर किस तरीके की सिचुएशन सामने आएगी, ये आपके पास वही यूट्यूब। अब मैं लिक्विड का लेवल इसके अंदर मैंने डिक्रीज कर दिया, डिक्रीज करके मैंने इतना ही इसके अंदर जो है वो वाटर लेवल रखा, सेकेंड वाली जो स्मॉल ट्यूब है उसके बेसिस पर, अब इतना ही हमने रखा, तो नेक्स्ट रेजोनेंस वाली कंडीशन कब प्रोड्यूस होगी, तो नेक्स्ट रेजोनेंस वाली कंडीशन के लिए मैं यहाँ पर देखूंगा कि यहाँ पर अपने को सबसे पहले स्टेशनरी वेव बनानी है, तो मैं कहूंगा यहाँ पर एंटी नोड बनेगा, यहाँ पर नोड बनेगा, यहाँ पर एंटी नोड जो है वो किस तरीके का बन रहा है, यहाँ से वेव का प्रोपेगेशन इस तरीके से हो गया, ठीक है, यहाँ पर बन गया आपके पास एंटी नोड। एंड करेक्शन की बात करें तो मैं देखो यहाँ पर जो एंटी नोड बना रहा हूँ वो थोड़ा सा ऊपर बना रहा हूँ, एंड करेक्शन को लेके चलते हुए ही बना रहे हैं हम लोग, तो ये डिस्टेंस कितनी आपके पास ई, और अगर ये वाली जो डिस्टेंस आपके पास आ जाती है, अब डिस्टेंस आ गई नेक्स्ट रेजोनेंस की एल टू, ये L1 जो डिस्टेंस है वो है फर्स्ट रेजोनेंस की, ठीक है, जब ये इस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी और लॉन्गिट्यूडनल वेव की फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाती है, तो उसके लिए हमने इफेक्टिव लेंथ कितनी लिख ली, L1 plus E is equal to lambda by 4। अब अगर हम यहां पर बात करें तो मैं कहूंगा इफेक्टिव लेंथ जो होगी नेक्स्ट रेजोनेंस की कंडीशन के अंदर, वो इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी, तो नेक्स्ट इफेक्टिव लेंथ आपके पास हो जाएगी L2 प्लस E एंड करेक्शन, टोटल एड हो गया यहां तक, और ये वेवलेंथ की टर्म के अंदर किसके इक्वल होगी, तो मैं कहूंगा देखो कितने कंप्लीट हो रहे हैं, यहां पर बन गया नोड, यहां पर बन गया एंटी नोड, यहां पर बन गया नोड, और ये रहा आपके पास एंटी नोड। तो अगर हम बात करें डिस्टेंस कितनी, तो लैम्डा बाई 4
प्लस लैम्डा बाई फोर प्लस लैम्डा बाई फोर कितनी बन गई, टोटल 3 लैम्डा बाई 4। इसे हमने नाम दे दिया सेकेंड इक्वेशन। ये है आपके पास फर्स्ट रेजोनेंस की कंडीशन, ये है आपके पास सेकेंड रेजोनेंस की कंडीशन। अगर आपको बोल दे थर्ड रेजोनेंस की कंडीशन ओंध बन रही है तो मैं इसी को और आगे भी ले जाता और थर्ड इक्वेशन भी बना लेता। अब हमें जो है इसके अंदर क्या पूछ रहा है कि दोनों की लेंथ का डिफरेंस कितना होगा, या फिर आपको यहाँ से लैम्डा वेवलेंथ की वैल्यू वो पूछ सकता है, या फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड भी आपको यहाँ पर पूछ सकता है। तो इन दोनों इक्वेशन के बेसिस पर मैं किसी की भी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर हम यहाँ पर दोनों की लेंथ में कितना डिफरेंस आएगा नेक्स्ट रेजोनेंस के अंदर उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, डिफरेंस का मीनिंग हो गया L2 माइनस L1, अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं बात करूँ कि L1 के अंदर कितना इंक्रीमेंट करें, यानी एयर कॉलम की लेंथ को कितना इंक्रीज करें जिससे नेक्स्ट रेजोनेंस की कंडीशन हमें मिल जाएगी, तो मैं कहूंगा L2 माइनस L1 की वैल्यू जो आएगी वही L1 के अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो L2 माइनस L1 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो L2 माइनस L1 कैसे आएगा, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करूंगा तो L2 प्लस E माइनस L1 प्लस E, तो E से E कैंसिल आउट होकर L2 माइनस L1 बच गया। इधर इधर क्या बचेगा, 3 लैम्डा बाई 4 माइनस लैम्डा बाई 4, तो 3 लैम्डा बाई 4 में से लैम्डा बाई 4 माइनस होगा तो कितना बचेगा आपके पास, मैं बोलूंगा 4 एलसीएम ले लो, कितना बच गया 2 लैम्डा बाई 4 यानी लैम्डा बाई 2। तो L2 माइनस L1 यानी L1 में कितना इंक्रीमेंट किया जाए जिससे नेक्स्ट रेजोनेंस की कंडीशन मिल जाए, तो मैं कहूंगा इंक्रीमेंट कितना होना चाहिए आपके पास, लैम्डा बाई 2 का इंक्रीमेंट होना चाहिए। अब अगर आपको वेलोसिटी या स्पीड ऑफ साउंड पूछे तो स्पीड ऑफ साउंड कितनी हो जाएगी आपके पास, तो मैं कहूंगा स्पीड ऑफ साउंड v इज इक्वल टू किसके होता है, n लैम्डा के इक्वल होता है। स्पीड ऑफ साउंड v इज इक्वल टू किसके होता है, n लैम्डा के इक्वल होता है। यहाँ से अगर मैं लैम्डा की वैल्यू को देखूं तो लैम्डा की वैल्यू कितनी, 2 L2 माइनस L1, तो मैं लिखूंगा 2 लैम्डा एज इट इज और क्या बन गया L2 माइनस L1। ये आपके पास वेलोसिटी या स्पीड ऑफ साउंड आ जाएगी। यानी आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि कितना इंक्रीमेंट करने पर नेक्स्ट रेजोनेंस की कंडीशन आएगी, और आप ये भी देख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कितनी होगी। अगर मैं L2 और L1 के अंदर रिलेशन देखना चाहूँ यहाँ पर साथ में ही, तो L2 और L1 के अंदर रिलेशन क्या होगा, तो L2 और L1 के बीच में रिलेशन भी अपने पास मिल जाएगा। अगर मैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दूं, तो सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करूंगा तो मैं लिखूंगा L2 plus E अपॉन में L1 plus E इज इक्वल टू कितना, 3 लैम्डा बाई 4 बाई लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4 बाई लैम्डा बाई 4, तो 4 अपॉन लैम्डा हो जाएगा, अपोजिट लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या आएगा, L2 प्लस E इज इक्वल टू 3 L1 प्लस में 3 E। यहां से अगर मैं इस E को इधर ले जाऊं, इसको इधर ले आऊं, या इसी E को इधर ले जाएं, तो L2 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 L1 प्लस 2 E। तो ये आपके पास क्या कंडीशन बन गई कि नेक्स्ट रेजोनेंस की जो लेंथ है, एयर कॉलम की लेंथ है, वो फर्स्ट वाली रेजोनेंस की जो लेंथ है उसकी 3 टाइम्स प्लस 2 E हो जाएगी। 2 E क्यों ऐड हो रहा है, 2 E ऐड हो रहा है एंड करेक्शन की वजह से। तो यही रेजोनेंस ट्यूब का ट्यूब जो एपरेटस है उसके अंदर हम चीजें फाइंड आउट करते हैं कि आपको पूछ सकता है कि L2 कितना होगा, नेक्स्ट रेजोनेंस की लेंथ कितनी होगी, तो नेक्स्ट रेजोनेंस की लेंथ कितनी होगी, यानी आपको क्या करना है, फर्स्ट की लेंथ आपको देगा तो L2 माइनस L1 कैलकुलेट करना है, वो L1 के अंदर एड कर देना है, वो नेक्स्ट रेजोनेंस की लेंथ हो जाएगी। आपको पूछ रहा है कि इसके अंदर स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, V इज इक्वल टू N लैम्डा, N की यहाँ पर अगर हम बात करें V इज इक्वल टू L लैम्डा की, तो देखो लैम्डा की वैल्यू अपने पास कितनी है, 2 L2 माइनस L1, तो लैम्डा की वैल्यू है आपके पास 2 L2 माइनस L1, लैम्डा की वैल्यू, तो N सॉरी
यहाँ पर मैंने जल्दी में गलत लिख दिया, 2n L2 - L1 हो गई। अगर हम यहाँ पर बात करें इन दोनों के अंदर रिलेशन की कि L1 और L2 के अंदर रिलेशन क्या हो जाएगा, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, L2 = 3 L1 + 2 E। ये आपके पास रेजोनेंस ट्यूब का जो एपरेटस होता है, जो आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है, इसके अंदर ये वैल्यू जो है वो हम पता लगा सकते हैं। और ये भी देख सकते हैं कि नेक्स्ट रेजोनेंस जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा, जैसे फर्स्ट रेजोनेंस, फिर सेकेंड रेजोनेंस, फिर थर्ड रेजोनेंस, तो जैसे जैसे ये रेजोनेंस इंक्रीज हो जाएगा, एयर कोलम की जो लेंथ है वो भी साथ साथ इंक्रीज होती जाएगी। चलिए,